दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे से बहुत दिन से सवाल पूछ रहे थे कि सर, सेप्टिक टैंक के ऊपर, मान लीजिए कि सेप्टिक टैंक जब हम बनाते हैं तो उसी के पास हमारा अगर उसी के ऊपर पिलर आ जाए, या जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेप्टिक टैंक का जो दीवार है उसी के साथ यहाँ पे जो मकान का पिलर है वो पिलर आ रहा है, तो अगर वैसे पिलर आ जाए तो फिर पिलर का जो फाउंडेशन यानी जो फुटिंग हम देते हैं तो वो किस लेवल पे दिया जाए और उसको कैसे बनाया जाए ताकि हमारा बिल्डिंग कमज़ोर नहीं हो। अब जैसे यहाँ देखिए, ये पिलर आपको दिख रहा है, ये पिलर जो है मेन यहाँ पर जो इंट्रेंस है घर का, वहीं से ये गेट के लिए पिलर दिया गया है, यानी कि बिल्डिंग का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कोने का भी पिलर आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ कर, तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम का फुटिंग यहाँ पे कैसे दिया जाए। आप जानते हैं कि सेप्टिक टैंक का जो हम बेस यहाँ पे बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पे करीबन 5 फीट नीचे बनाए हुए हैं, अभी जो ज़मीन आपको दिख रही है। तो पिलर का जो फुटिंग है आप जानते हैं कि नॉर्मली 4 से 5 फीट दिया जाता है, तो अगर हम